जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। प्रसाद ले रहे शिव गंगा धराय हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की। तो इससे पहले कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूं, मैं तो सबको बताना चाहता हूं कि मैं कहां पर हूं आज। अब मैं पहुंच गया हूं आज ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर। सो गुड आफ्टरनून, अभी बज गए हैं दोपहर के 3। मैं चाहता था कि आपको गुड मॉर्निंग बोलूं, बट हालत ऐसी हुई कि आप गुड आफ्टरनून बोलना पड़ रहा है। एक्चुअली हम आए थे ऋषिकेश से, जो नीलकंठ महादेव मंदिर है वो अराउंड 32 किलोमीटर है, और हम चंबा से होते हुए आए थे। तो जब हम चंबा से निकले थे गूगल मैप अकॉर्डिंग, हम यहाँ पर 12:30 बजे तक पहुँचने वाले थे नीलकंठ महादेव मंदिर में। तो हमने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट नहीं करते, डायरेक्ट दर्शन करेंगे, उसके बाद ही लंच करेंगे। तो अब हालत ये हो गई हमारे साथ, कि ना हमने ब्रेकफास्ट किया है ना हमने लंच किया है, बिकॉज ऐसा था कि पहले तो भाई दर्शन करने हैं उसके बाद ही लंच होगा। और इसका रीज़न ये है हमारे ये लंच नहीं करने का अभी तक, और इतना लेट पहुँचने का, कि भाई साहब इतना जाम है यहाँ पर, मतलब ऋषिकेश से लेकर ये जो 15-16 किलोमीटर का स्ट्रेस था ना भाई, इतना जाम, परेशान हो गए यार, इतना जाम, मतलब अगर इतना जाम तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और इतना रश भी एक्सपेक्ट, इतना रश, इतना जाम। संडे का दिन था, हमने एक शॉपकीपर वाले से उसने बताया हमें कि भाई सैटरडे संडे एंड मंडे तो भाई यहाँ भूल कर भी मत आओ, मतलब अगर आप महादेव के भक्त हो तो महादेव के भक्त हो, हर जगह पहुँच जाते हैं। अब जाम क्या जाम और क्या, मतलब अगर सड़क ना भी हो तो भी महादेव के भक्त आ जाते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा आपको इतना जाम ना मिले, थोड़ा सा आराम से पहुँच जाओ, तो सैटरडे संडे और मंडे अवॉइड कीजिए, और बाद में वीकडे किसी कभी भी आ जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा रश कम होता है। तो हमने भोलेनाथ के लिए प्रसाद ले लिया है, ये हमने एक छोटी सी थाली ली है जिसमें गंगा जल है, प्रसाद है, फूल है, ये उनकी तस्वीर है, ये बेलपत्र है, ये धूप है शायद, हाँ धूप है। यहाँ पर काफ़ी सारे शाकाहारी वैष्णव भोजनालय भी हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं। काफ़ी तंग सी गलियाँ यहाँ पर, ऐसा सोचा नहीं था मैंने, बट हाँ बहुत तंग तंग गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी जाम था यहाँ पर, तो ऑब्वियस बात है एक्सपेक्टेड था कि भीड़ होगी, जो कि है। यार ये तो बहुत बड़ी लाइन है। हमने सोचा था दर्शन से पहले ना ब्रेकफास्ट करेंगे ना लंच करेंगे, बट अब ऐसा लग रहा है इतनी लंबी लाइन है कि अब ऐसा लग रहा है कि डिनर भी पता नहीं हो पाएगा बहुत भीड़ है वैसे यार, बहुत भीड़ है। देखते हैं अभी चेक करते हैं, ये लाइन है, चलो यहाँ लाइन से अंदर लग जाते हैं। हमने पहले आगे लाइन देखो, इतनी लंबी लाइन लगी है, हमारे पीछे कोई नहीं है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। अभी जस्ट 1 मिनट हुआ है, आप मेरे पीछे की पहले भीड़ देखो, ये बस 1 मिनट में मेरे पीछे इतने सारे लोग आ गए, इतने सारे भक्तजन आ गए। भोले भोले भोले। आधा घंटा हो चुका है और हम पहुंच गए मंदिर के प्रवेश द्वार के पास, अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। Om Shankar Bhagwan Ki Jai।
में दर्शन कर लिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ये मेरे पीछे नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। वैसे तो नीलकंठ महादेव जी को कौन नहीं जानता, लेकिन तब भी मैं एक बार आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस मंदिर के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, पुराणों के हिसाब से ऐसा कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो विष निकला था तो वो भगवान शंकर ने मतलब धारण किया था, उनको अपने गले पे ही रोक लिया था, तो उनका पूरा कंठ जो था वो नीला हो गया था, इसीलिए इन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। और ये जो नीलकंठ का मंदिर है ये एक वैली में बसा हुआ है, इसके तीनों तरफ मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट नाम के जो पहाड़ हैं उनकी। अच्छा, इस जगह पर ना भगवान शिव ने विष को धारण नहीं किया था, विष को धारण करने के बाद समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था उसको धारण करने के बाद जो उनके पेन हुआ था, जो फ्लेम्स हुए थे, उसको शांत कराने के लिए उन्होंने 60,000 सालों तक तपस्या की थी इस जगह पर, इसलिए इस मंदिर का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। अब देख सकते हैं समुद्र मंथन की मूर्तियाँ हैं, वो ये देवता हैं, उस तरफ असुर हैं, समुद्र मंथन हो रहा है और ये है नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। लोग फोटोज़ खिंचा रहे हैं, काफ़ी सारे, काफ़ी भीड़ है, खुश हैं लोग अपने महादेव जी से मिलकर। वैसे यार एक बात तो है, भगवान भोले के भक्त बहुत हैं, बहुत भीड़ है यार, इतना जाम था, इतना रश था, लोग लाइन में लगे, लोग जाम में लगे, लोग गाड़ियों को 2-2 किलोमीटर पहले पार करके पैदल आए यहाँ पर इतनी धूप पे सिर्फ दर्शन करने के लिए। अब दर्शन करके हम बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी प्रसाद की शॉप है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो और वहाँ पर आप सामान या अपने शूज़ वहाँ पर उनको फिर उनके पास रखवा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। काफ़ी शॉप है, आप या तो स्टार्टिंग में रखवा लो या गेट के पास रखवा लो, वो अपनी मर्ज़ी है। बाइक्स गेट तक आ सकती है अगर आप ला सकते हो तो, एंड जो हमारी कार है प्राइवेट कार से वो अलाउड नहीं है, उनकी पार्किंग यहाँ से 2 किलोमीटर पहले है। एंड ये आपको दिख रहा है अभी भी लाइन लगी हुई है, लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, एंड यहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना प्राइवेट टैक्सीज तो अंदर तक आ जाती है मंदिर के, इसलिए थोड़ा जाम भी रहता है। बाइक की पार्किंग तो यहाँ पर भी है, ये देखिए इस तरफ भी बाइक की पार्किंग है, लेकिन आप गेट के एंड तक भी ले जा सकते हैं। यहाँ लोग अभी भी आ रहे हैं, देखो लोगों ने पार्किंग ऑलरेडी है लेकिन लोगों को जगह ही नहीं है, इतनी भीड़ है। लोगों को जगह जहाँ जगह मिली भक्तों को, उन लोगों ने अपनी गाड़ी लगा दी है। एंड सरप्राइजिंगली अभी 5 बजने वाले शाम के, लोग अभी भी आ रहे हैं यार, उनके कब दर्शन आएंगे, कब वो वापस जाएंगे, बट कमाल है यार, यही है भाई महादेव की भक्ति, सब हर कोई दर्शन करना चाहता है, तो इसी बात बोलेंगे हर हर महादेव। नीलकंठ जाते वक्त आपको एक झरना भी मिलेगा इस पॉइंट में, इस ब्रिज के पास, तो आप ये भी देख सकते हैं।